अमित शाह ने उदयनिधि के विवादित बयान पर दिया प्लेटफार्म, बोले वोट के लिए खत्म करना चाहते हैं सनातन धर्म। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयानों को लेकर बवाल मच गया है। उदयनिधि ने एक सभा को संबोधित करते हुए सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से करते हुए इसको खत्म करने की बात की। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि सीएम का बेटा सनातन धर्म का अपमान करने की बात करता है, ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री आज अपने राजस्थान दौरे पर है। राजस्थान के डूंगरपुर में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। इस समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने उदयनिधि स्टालिन पर जमकर हमला बोल दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पिछले दो दिनों से इंडिया गठबंधन सनातन धर्म का अपमान कर रहा है। डीएमके और कांग्रेस के नेता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने हमारे सनातन धर्म का अपमान किया है। इससे पहले मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि बजट पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, लेकिन हम कहते हैं कि पहला हक गरीबों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का है। आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि मोदी जी जीतेंगे तो सनातन राज करेगा। राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू संगठन लश्कर ए तैयबा से भी ज्यादा खतरनाक है। सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? दो दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बजट पर पहला अधिकार, अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, माताओं, भाइयों, बहनों, इन्होंने कहा, उनके एक राजकुमार हैं राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा, उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्करे तोयबा से भी खतरनाक है। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्कर ए तोयबा के साथ तुलना करते हो, और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर हो चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडी अलायंस, एक गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं।
मगर अब मैं उनको कहने आया हूं, जितना आप बोलोगे उतने ही कम होते जाओगे। 2014 में थे, 19 में उससे भी कम हुए, और अब ये शुरू किया है सनातन धर्म के खिलाफ आलाप। 2024 में दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ोगे, दूरबीन लेकर भी नहीं। अब जिनके नेता ऐसे हो, जिनकी पार्टी ऐसी हो, वो गहलोत जी भी क्या कर सकते हैं। पूरे राजस्थान तुष्टीकरण की राजनीति कर पूरे राजस्थान में असलामती का